अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं फजिक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है मोदी जी का ऑटोग्राफ। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ओके, इस वीडियो का टाइटल है मोदी जी ऑटोग्राफ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। राजनीति की दुनिया में एक खास पहचान रखने वाले प्रधानमंत्री मोदी अक्सर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी तारीफ करने से खुद को कोई रोक नहीं पाता। बच्चों के साथ बच्चा बन जाना, बेसहारों के लिए सहारा बन जाना, मतलब एक सफल राजनेता में जो गुण होने चाहिए वो मोदी में बखूबी देखने को मिलते हैं। एक ऐसी ही तस्वीर तब देखने को मिली जब पीएम मोदी अपने जेब से पेन निकालते हुए एक बच्चे से ऑटोग्राफ मांगने लगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आपको इसके पीछे की किस्से कहानियों से वाकिफ कराएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पीएम मोदी अपने हाथ में कलम लिए हुए हैं। ठीक उनके सामने स्कूल ड्रेस में एक बच्चा खड़ा है। पीएम मोदी कलम का ढक्कन खोलने के बाद कलम लड़के को थमा देते हैं, जिसके बाद वहां खड़े दोनों छात्र पीएम मोदी को एक एक करके अपना ऑटोग्राफ देते हैं। अब से पहले आपने किसी नामी शख्सियत को ऑटोग्राफ देते हुए देखा होगा, लेकिन पीएम मोदी ने छात्रों से उनका ऑटोग्राफ मांगकर एक मिसाल कायम कर दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो पीएम मोदी ने सभी का दिल जीत लिया। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार यानी कि 1 अप्रैल को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए तालकटोरा स्टेडियम पहुंचे। छात्रों से संवाद करने से पहले पीएम मोदी ने छात्रों की तरफ से लगाई गई एग्जीबिशन का भी मुआयना किया। इस दौरान छात्रों ने पीएम मोदी को अपने एग्जीबिशन की जानकारी दी। जब पीएम मोदी एग्जीबिशन का मुआयना कर रहे थे, इस दौरान उन्हें एक ऐसा रेडियो दिखा जिसे देखकर वो हंसने लगे। फिर क्या था, पीएम मोदी ने इसे बनाने वाले बच्चों से बात करनी शुरू कर दी। इसके बाद छात्रों से ऑटोग्राफ लिया और रेडियो भी रख लिया। इन तमाम नजारों को आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय विद्यालय के दो छात्रों ने मिलकर एक छोटा सा रेडियो ट्रांजिस्टर बनाया, जिस पर पीएम मोदी के हर महीने प्रसारित होने वाले कार्यक्रम मन की बात लिखा हुआ था, जिसे देखने के बाद पीएम मोदी खुश हो गए। पीएम मोदी ने उस डमी ट्रांजिस्टर को देखकर छात्रों से कहा कि आप अपना ऑटोग्राफ दें। इस दौरान उन्होंने दोनों छात्रों का ऑटोग्राफ लेने के बाद उस डमी ट्रांजिस्टर को अपने पास रख लिया। वहीं एग्जीबिशन में कई राज्यों के छात्रों ने अपनी अपनी प्रदर्शनी की जानकारी दी। पीएम मोदी ने सभी छात्रों से उनके बारे में विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान स्वच्छ भारत समेत कोरोना पर भारत की विजय समेत कई विषयों पर प्रदर्शनी लगाई गई। इन सभी विषयों पर पीएम मोदी ने विस्तार से बात की। वहीं पीएम मोदी ने कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए कहा कि इस बार मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। जिन लोगों के सवाल के जवाब मैं यहाँ नहीं दे पाता हूँ, उन लोगों के सवालों के जवाब मैं इस बार नमो ऐप के माध्यम से दूंगा। कार्यक्रम में पहला सवाल दिल्ली की खुशी ने किया, जिसके बाद पीएम मोदी ने हंसते हुए कहा कि ये अच्छी बात है कि खुशी से चीजें शुरू हो रही। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह से छात्र से ऑटोग्राफ मांगा, उस पर आपका क्या कहना है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत की राजधानी ऐतिहासिक नगरी दिल्ली के विवेकानंद स्कूल की कक्षा 12वीं की छात्रा खुशी जैन आपसे प्रश्न पूछना चाहती हैं। खुशी, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। ये अच्छी बात है, खुशी से शुरू हो रहा है। और हम भी चाहते हैं कि परीक्षा पूरी होने तक खुशी ही खुशी रहे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, नमस्कार। मेरा नाम खुशी जैन है। मैं कक्षा 12वीं विवेकानंद स्कूल आनंद विहार दिल्ली की छात्रा हूँ। मानवर, मेरा प्रश्न है, जब हम घबराहट की स्थिति में होते हैं तो परीक्षा के समय हम तैयारी कैसे करें? धन्यवाद।
धन्यवाद खुशी। मान्यवर, साहित्यिक परंपरा के परिपेक्ष में अत्यंत समृद्ध प्रदेश छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के कक्षा 12वीं के छात्र ए. श्रीधर शर्मा कुछ इसी तरह की समस्या से जूझ रहे हैं। वह उत्सुक है प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी बात रखने को। श्रीधर, कृपया अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं ए. श्रीधर शर्मा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 बिलासपुर छत्तीसगढ़ के कक्षा 12वीं आर्ट्स का छात्र हूँ। महोदय, मेरे प्रश्न कुछ इस प्रकार है। मैं परीक्षा संबंधी तनाव से कैसे निपटूं? अगर मेरे अंक अच्छे नहीं आए तो क्या होगा? अगर मुझे अपेक्षित अंक प्राप्त नहीं हुए तो क्या होगा? और अंततः अगर मेरे ग्रेड अच्छे नहीं आए तो मैं अपने परिवार की निराशा से कैसे निपटूं? धन्यवाद श्रीधर। फ्रॉम द लैंड वेयर द साबरमती संत महात्मा गांधी जी स्टार्टेड हिज सत्याग्रह मूवमेंट, आई इनवाइट केनी पटेल, अ क्लास 10 स्टूडेंट ऑफ बड़ोदरा, हु अर्नेस्टली सीक्स योर गाइडेंस ऑन सिमिलर चैलेंजेस फेस्ड बाय हर। केनी, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। ग्रीटिंग प्राइम मिनिस्टर सर, माय नेम इज केनी पटेल, आई एम फ्रॉम ट्री हाउस हाई स्कूल वडोदरा गुजरात फ्रॉम क्लास 10। माय क्वेश्चन इज हाउ टू ओवरकम द स्ट्रेस ऑफ कंप्लीटिंग द होल सिलेबस विद अ प्रॉपर रिवीजन टू एनहांस आवर मार्क्स एंड रिजल्ट, एंड हाउ टू टेक प्रॉपर स्लीप एंड रेस्ट ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम। थैंक यू सर। थैंक यू केनी। माननीय प्रधानमंत्री जी, खुशी, श्रीधर शर्मा तथा केनी पटेल परीक्षा के तनाव से व्यथित हैं। उन्हीं की तरह देश भर से अनेक विद्यार्थियों ने एग्जाम स्ट्रेस से संबंधित प्रश्न पूछे हैं। परीक्षा के तनाव से लगभग सभी विद्यार्थी प्रभावित होते हैं और आपके मार्गदर्शन के अभिलाषी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, क्या हिंदी बोलिए। एक साथ आप लोगों ने इतना सवाल पूछ लिए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मेरा इम्तिहान हो रहा है, मुझे ही पैनिक से गुजरना पड़ेगा। देखिए, आपके मन में भय क्यों होता है, ये प्रश्न मेरे मन में है। क्या आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं? क्या आप में से कोई नहीं है जो पहली बार एग्जाम देने जा रहा है? मतलब कि आपने बहुत सारी एग्जाम दे चुके हैं और अब तो आप प्रकार से एग्जाम के इस दौर से आखिरी छोर की तरफ पहुंच चुके हैं। इतना बड़ा समंदर पार करने के बाद किनारे पर डूबने का डर, ये तो दिमाग में बैठता नहीं है? बहुत ज्यादा। तो पहली बात है कि आप मन में एक बार तय कर लीजिए कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है, हमारी विकास यात्रा का छोटे 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 पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है, हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते 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 एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं, और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाता है। जी जनाब, बहुत आला आंसर, मैं तो ये कहूँगी। अब आपको भी एक अच्छा सा आंसर मिल गया आपके बच्चों के लिए, जिस बच्चों आपसे पूछते हैं एग्जाम में हमें टेंशन रहती है, हमें परेशानी रहती है, तो आप उन्हें घी शक्कर खिलाती रहती थी। अब आपको एक सॉलिड रीज़न मिल गया। जो काम आप करते रहते हैं, जो काम आप कई मरतबा कर चुके हैं, उससे कैसा घबराना? अच्छा, लेकिन 9, 10 मैंने देखा है वो बच्चे जो 8, 7, 6, 5 में नहीं घबराते, वो 9, 10, 11, 12 में ज़्यादा घबराते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत होता है, बोर्ड है हमारे यहाँ तो बोर्ड है। असल में बात सुनना, जब मैं 5वीं 4थी 3री 6थी में था तो मुझे बताया जाता था 9, 10 बोर्ड के इम्तहानों में बोर्ड के बहुत हार्ड होंगे। सुने तो सही, मैं कहता था बोर्ड पे लिखा जाएगा, हम बोर्ड पे लिखेंगे दुनिया के सामने, सच का दूध पानी का पानी होगा, बोर्ड पे लिखना पड़ेगा। अच्छा, आपको ये लगता था? मुझे ऐसा लगता था कि बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, बोर्ड पे लिखना पड़ेगा, तो सब देख रहे होंगे आपने जो लिखा है, चीटिंग नहीं हो सकती, बोर्ड के एग्ज़ाम में चीटिंग नहीं होगी। अच्छा, बोर्ड के एग्ज़ाम में मुश्किल होता है, तो मैं ये समझता था।
लेकिन ये कि बाद में क्लियर हुआ, होता क्या है, होता है कि हमें डराया गया, हमें खौफजदा किया गया। बचपन में हम सुनते रहते थे कि बोर्ड के एग्ज़ाम सख्त होंगे, तो बोर्ड के एग्ज़ाम की टेंशन बढ़ जाती है, जबकि बढ़नी नहीं चाहिए, इंसान को टेंशन लेनी नहीं चाहिए। मोदी जी ने बहुत ही साधारण अल्फाज में उनका जवाब दिया। ठीक है, अच्छा दूसरा ये आपने देखा किस तरीके से ऑटोग्राफ ले रहे थे, कमाल, कोई प्राइम मिनिस्टर। मैं जब वो ले रहे थे ऑटोग्राफ और वो दो बच्चे जो दो स्टूडेंट्स थे वो दे रहे थे, बला का कॉन्फिडेंस, मैं तो ये कहूँगी इनके स्टूडेंट्स में भी बला का कॉन्फिडेंस के सामने प्राइम मिनिस्टर खड़े हैं, वो आपने देखा कितने रिलैक्स, कितने काम लग रहे थे। बिल्कुल, और मैं उतनी देर तक बस यही सोच रही थी कि शायद मेरे दिमाग के किसी कोने में कोई एक फुटेज, एक पिक्चर आ जाए ऐसा जो मैंने पाकिस्तान में भी देखा हो कि कोई मिनिस्टर किसी स्टूडेंट से सवाल, कोई साधारण सा मिनिस्टर, कोई छोटा सा एमएलए, कोई भी कोई इलाके का कोई बड़ा, थोड़ा इतना बड़ा नहीं लेकिन थोड़ा बड़ा। ये चीज़ें इंडिया में ही मिलती हैं, इंडिया में ही मतलब है कि ट्रेन में बाद आम लोगों के साथ सफ़र करते हैं, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, उनसे बातें करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें। आपने देखो वो छोटे से कद वाली बच्ची, औरत थी, बच्ची तो नहीं थी, छोटा, बस वो उनके पांव छू रहे थे, वो सही से दिखाया नहीं गया उसका, मतलब वो तस्वीर थी तो उनके पैर छू रहे, मतलब इतनी रिस्पेक्ट। अच्छा सबसे पहले तो ये है कि इनके अंदर गरूर, एक होता है ना तकब्बुर, ये चीज़ें इन्होंने ख़त्म कर दी हैं, ये दुनियादारी को समझ गए हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ दिखाते भी हैं, आपने देखा नहीं चाइना के वो जो मिनिस्टर है नहीं मिले, नहीं मिले जहाँ ज़रूरत है। अच्छा ये जो मादे हैं ना, ये जो चीजें हैं, कब क्या, ये वक्त के लिहाज से यूज करने के लिए हैं, ये ना ही बहुत बुरी हैं और ना ही बहुत अच्छी हैं। इनका यूजेज इंसान को पता हो कि मुझे कब यूज करना है और कब नहीं करना। जिस तरह से नागरिकों, जिस तरह से अल्फाज का चुनाव, कब करना है, कब नहीं करना, अल्फाज गलत नहीं होता, कब बोलना है, अल्फाज गलत नहीं होता, आपने वो कहाँ किया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपका गरूर, आपका तकब्बुर, आपको जब दिखाना है कोई आपको डिग्रेड कर रहा है, आपको इन्फीरियर कर रहा है, तो आपको लाजमी है फिर तो दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, लेकिन जब कोई आप अपनी जनता की, आप अपनी आवाम की, आप अपने नागरिकों की बात करते हो, तो वहाँ कैसा गरूर, वहाँ कैसा तकब्बुर, बिल्कुल वहाँ कैसा एटीट्यूड, बिल्कुल। और वहाँ पर गरूर दिखाना भी पड़ता है कि मेरे नागरिकों का फ़ायदा तो मैं खरीदूँगा मैं करूँगा, मतलब आप अपने आवाम के लिए ही किसी से लड़ भी पड़ते हैं तो आप अपने आवाम के लिए झुक भी पड़ते हैं। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही आला। और इस तरह की एक और वीडियो भी हमने देखी थी जिसमें बच्चों के सवालों के जवाब दिए गए थे मोदी जी ने, और मतलब है कि बड़े ही मतलब है कि इसी तरह से। अच्छा ये देखें, ये चीज़ कितनी खूबसूरत है, पीएम स्कूलों के फंक्शंस में आए हुए हैं, मतलब ये खुद एक अमल कितना खूबसूरत अमल है, कैसे पॉसिबल है हमारे यहाँ। मैंने बोला मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं आपको सच बता रही हूँ, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऐसे फंक्शंस आपने कभी देखे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मौजूद हो। नहीं नहीं, और मैं बताऊँ आपको, छोटी बोली जो बड़ी शख्सियत होती है ना उनको इन्वाइट भी किया जाता है तो कोई भरोसा नहीं होता वो आएंगी। ठीक, सियासी शख्सियत एंड टाइम पे गोल हो जाती है, अगर उनका कोई अपना सियासी वो ना हो तो। एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो, और इस तरह की काफ़ी वीडियोस हमने देखी भी हैं जिसमें मोदी जी ने लोगों के साथ जिस तरह से बात की, लेकिन आज तो इंतहा हो गई, आज तो इंतहा हो गई कि खुद उन बच्चों से जिन्होंने एक रेडियो बनाया जिसमें मन की बात एक प्रोग्राम है जिसमें मोदी जी आवाम से बात करते हैं, डायरेक्ट आवाम से, अच्छा। आम जनता से बात करते हैं, उनके सवालों के जवाब देते हैं, महीने में या हफ्ते में एक दफ़ा ये प्रोग्राम आता है, अच्छा। आपका पीएम, अच्छा हमारे पीएम पे मुसीबत आई तो आवाम से बातचीत कर रहे थे, पूरी 3 साल में कभी भी नहीं बात की उन्होंने। अच्छा मुझे तो वो बातचीत भी फेक लग रही थी, जिस तरीके से वो बन के बात कर रहे थे ना लोग, मुझे तो फेक लग रही थी, सारी तारीफ कर रहे थे। अब ऐसा भी होता है ना कि कोई जाहिल भी आ जाता है, कोई नॉर्मल तरीके से बात करे, कोई दुकानदार भी बात करे, 2 से 3 फ़ोन कॉल सुनी मैंने, इमरान खान से लोग बात कर रहे हैं, सारे अदब व आदाब वाले, सारे पढ़े लिखे, तो 4-5 लोग तो पाकिस्तान में सब पढ़े लिखे होंगे, अब समझ रहे ना। मैं बिल्कुल अच्छी तरह समझ रहा हूँ अंदर की बात, 2-4 लोग तो पकड़ ही सकता है कोई, इतने तो मिल ही जाएंगे अपनी केबिन से ही, अपनी कैबिनेट से भी। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई खुशी को देख के, खुशी मतलब खुशी को देख के, खुशी का सवाल करना, खुशी से ही शुरू हो रहा है, मोदी जी ने भी जैसे कहा रोज़ा है, यहाँ रोज़ा है तो क्या हुआ, तो बर्दाश्त करें, कंट्रोल, खुशी को देख के खुशी हुई, क्या कह रही हैं आप, खुशी से सब स्टार्ट हुआ, ये सबसे अच्छा था, कहाँ से आ गया, खुशी से सब स्टार्ट हुआ, ये सबसे अच्छा था, मैं बाद में पूछूंगी बैकअप तक कहाँ से आया। खैर दोस्तों, दोबारा किसी और मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।